वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्नितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं बिंदावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव्यै पिया वै केशवस्य कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्ववत्त्वै नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिंच नुतं शरण्यं भीतात्यहं पनुतपालभवाद्दिपूतं वंदे महापुरुषं ते चरणारविन्दं। यत्पादपल्लवनकचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ते साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तवृंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकेतनैकपितरो कमलाशताक्षो भीष्मांबरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणाम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजविशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तर्क अपतिष्ठ सुतयो विभिन्ना नासो मुनिर्जस्व मतम न भिन्नम धर्मस्व तत्व निहित गुहायम महाजनो जेनो गतो सपंथ्या। तर्क अपतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नासो मुनिर्जस्व मतम न भिन्नम धर्मस्व तत्व निहित गुहायम महाजनो जेनो गतो सपंथा। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगतगुरु बताए जे तर्क पंथा से परम सत्य वस्तु अंतर्हित हो जाते हैं। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगतगुरु जिन्हें बताए जे तर्क पंथा से परम सत्य वस्तु अंतर्हित हो जाते हैं। तर्कपंथी का साथ कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। परिप्रश्न अलग चीज़ है और तर्क अलग चीज़ है। तर्कों में चैलेंजिंग मूड रहता और परिप्रश्नों तो मंगल के लिए है और गीता शास्त्र में बताई गई जे तद्विधि परिपातेनु परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी व्यक्तिगण महाजनगण हमारा प्रणिपात परिवेशनों सेवा, प्रणिपात मतलब प्रकृष्ट रूपे शरणागत हो जाना, प्रणिपात मतलब सर्वांगीण रूप से तत्वविद पुरुषों का पाम सामने गुरु वैष्णव के सामने शरणागत हो जाना। प्रणिपात परिवेशनों उसका बाद जो भजन का पूछताछ है इसका शुरुआत हो सकता है प्रणिपातेनो परिवेशनो सेवया। और उसका जिसका अंदर में सेवा का भाव है वो तत्वविद पुरुष के सामने धीरे धीरे तत्व विज्ञान सुनते सुनते उसका दिव्य ज्ञान का उन्मेष हो सकता। केवल तर्कपंथा से परम सत्यवस्तु अंतर्हित हो जाते और गुरु वैष्णव भी पकड़ में नहीं आते। जब देखते हैं कि वो परीक्षा करने के लिए आए हैं तर्क उठाने के लिए तब वो चुप हो जाते हैं। काल ये चर्चा हुआ था कि श्रीमद् भागवत गीता जो भगवान स्वयं अर्जुन का सामने तमाम तत्व विज्ञान को रख दिया, इसको अनुभव करने के लिए पक्का अनुभव करने के लिए श्रीमद्भागवत जी महापुराण इसका अंदर गीता का संपूर्ण अनुभव हो सकता। महाजन चरण में शरणापत्ति सबसे बड़ा चीज़ है। अगर शरणापत्ति नहीं है तो किसी भी हालत से भजन में तरक्की नहीं हो सकती। कर्मकांडों और कर्मयोग का जो पार्थक्य है, विभेद है, वो बाहरी दृष्टि में समझ में नहीं आता। कर्मा कर्मो विकर्मेति वेदो वादो नौ लौकिकः। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में नवयुगेंद्र संवाद में अविरहोत्र जी का ये प्रवचन है। कर्मो अकर्मो विकर्मो ये तीनों का विभेद जो है वो आम आदमी को पता नहीं। वेद विहित जो व्यवस्था है उसको करना ही कर्म है। वेद में विहित जो कर्म जो क्रियाकर्म है उसको करना ही कर्म है, उसको ना करना विकर्म है, उसको ना करना अकर्म है, और उसका विपरीत कर्म करना, उल्टा करना, उसका नाम है विकर्म। सो भागवत जी महापुराण में ये है, कर्म अकर्म विकर्म इति वेद वाद नौ लौकिक, और वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। सूरयो बोलने से सूरय मतलब देवगण, लेकिन यहाँ सूरयो बोलने से ये तमाम ऋषि मुनि आदि सबको, त्रिकालदर्शी सब, ये लोगों को भी विचार करने में थोड़ा संशय संदेह पैदा होता। वास्तविक पक्ष जो दो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जो विचार है ये तो जगत में चलते रहता है हर वक्त, लेकिन भगवत धर्म का विचार एकमात्र महाजनो जैनो गतो सपंथा। महाजन मतलब सांघुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद भीष्म जनको वैलिर वैलिर वैयास खिर्वयम द्वादशैते बीजानी में धर्मम भगवतम भटा। जुमराज जी महाराज कह रहे हैं कि हम ये 12 जन भागवत धर्म भागवत तत्वविद्ता है, और जो और द्वादशी ते विज्ञान में हम लोग 12 जो है, हम ये भागवत तत्व विज्ञान को जानते हैं, और ये विशुद्ध है, गुह्य है। गुह्य मतलब गुप्ताति गुप्त, बड़ा गुप्त चीज है, इसलिए बताया गया। देखो गुह्यम विशुद्धम दुर्बोध्यम, तीनों उपाधि, एक तो है गुह्यम, एकदम सरासर बहुत गुप्त चीज है गुह्यम, विशुद्धम मतलब इससे बढ़कर पवित्र चीज कोई नहीं होता, कुछ नहीं है। गुह्यम विशुद्ध दुर्बोध्यम, दुर्बोध्यम क्यों? विषय में उलझे हुए जीवों का लिए ये संभव नहीं है। दुर्बोध्यम मतलब ये जितना भी आपका विद्यावत्व है सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है। एकांत रूप में पोपा जी कहते हैं कि गुरु सेवा के द्वारा ही, सदगुरु सेवा, ये बात को ध्यान रखना, वो एकांत रूप से सदगुरु सेवा के द्वारा ही इसका जो गहरा अनुभव है ये पता चलता है, बाकी आम आदमी के लिए एक काम नहीं है। क्योंकि भागवत धर्म जो है ईश्वर आत्मत्वात् मतलब ये ठाकुर जी स्वयं, भागवत धर्म जो है वो ठाकुर जी स्वयं है, वननेस, एकाकार है। इसीलिए ईश्वर आत्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयो, मुह्यन्ति मतलब वो उसका अंदर में तरह तरह का विचार आता है, संशय संदेह पैदा हो जाता है, सल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। तत्र मुह्यन्ति सूरयो। अब ये जो श्रीमद्भगवद गीता इसमें ठाकुर जी का जो प्रवचन है सारे, ये अर्जुन के द्वारा प्रेरित होके, अर्थात भगवान अर्जुन को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन कोई साधारण आदमी नहीं, भगवान का पार्षद, फिर भी जब अवतीर्ण हुए भगवान, इच्छा करके ठाकुर जी उसको, क्या अर्जुन क्या क्षत्रिय है, क्या अर्जुन वैश्य है, क्या अर्जुन ब्राह्मण है, अर्जुन अगर क्षत्रिय है तो ये क्षत्रिय तो जरूर है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म में ठाकुर जी उसको लेके खड़ा कर दिया क्षत्रिय भूमिका में। भागवत पार्षद जो है उसका तो कोई ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये सब ने विचार नहीं आता, ये आ नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता दिया, ना हम वर्णी न चौग्य पुत्र न वनस्वती वा किंतु पद्म, यह विचार बता दिया। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शुद्ध है, वैश्य है, ये सब विचार तो जागतिक विचार है। फिर भी अगर प्रश्न किया जाए ये अर्जुन क्या क्षत्रिय है, अर्जुन का कोई अंदर में कोई संशय संदेह है, अर्जुन अज्ञान में है, बोले नहीं, ऐसा स्थिति ठाकुर जी ने पैदा कर दिया। जैसे कि हमारा सामने प्रश्न आए, प्रश्नों और उसका बाद प्रश्नों का जो उत्तर है वो, जैसे परीक्षित महाराज तो महाभागवत है। फिर ये परीक्षित महाराज जी अभी प्रश्न किया तो हमारा तमाम भागवत सुनने को सौभाग्य मिला, सौभाग्य को प्राप्त हुए। परीक्षित महाराज के जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है, सार्वजनीन क्वेश्चन, सार्वजनीन प्रश्न है। ये ऐसा मापिक का प्रश्न होनी चाहिए हर जीवात्मा का तरफ से। जब तक आत्मजिज्ञासा तत्व जिज्ञासा नहीं हो पाता तब तक आत्ममंगल का रास्ता बहुत दूर, बड़ी दूर नगरी गोकुल नगरी, अगर गोकुल में जाना चाहते हो। वैकुंठ में तो जो कुछ भी है कर्मा कर्म विकर्मे थी वेदवाद नौ लौकिक, ये बता दिया। और चक्रवर्ती बाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद ये विचार में लिखा, कर्मो खलु शास्त्रो विहिताचरणम, वेदों में शास्त्रों में जो आचार लिखा हुआ है उसका करना ही कर्म है। अकर्मो शास्त्रो विहिता अनाचरण, ना करना, एंड विकर्म तु शास्त्रो निषिद्धाचरणम, विकर्म तु शास्त्रो निषिद्धाचरणम, ये हमने बता दिया जो भी है। वेदों का विभाग इतना दुर्गम है, वेदों का विभाग इतना बड़ा है, कर्म तत्व इतना गंभीर है, इसमें मोह प्राप्त होना स्वाभाविक है। गहना कर्मणो गति ही, कर्म का गति जो है बहुत गंभीर है, और हर कर्मों का एक ठो, हर कर्मों का अपना अपना रिएक्शन तो होता ही है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कर्मों का गति इतना गहरा है, इतना गंभीर है। कर्मों एक जीवात्मा को कहाँ से कहाँ लेके खड़ा कर देता है, ये सोचने वाला चीज़ है। अवश्यमेव भोक्तव्य कृतकर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव भोक्तव्य, अवश्य जो अपना अपना जो कर्म है, किए हुए कर्म का फल अवश्यमेव भोक्तव्य कृतकर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्मों का सारे तमाम ये अपने को ही भोगना पड़ेगा, वो कोई नहीं भोगेगा, पिता माता भाई बंधु कोई नहीं है, कोई नहीं। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने इसलिए बताए कि देखो कर्म कांडो ज्ञान कांडो केवल विषेर भांडो, ये विषों का पात्र है। अमृत समझकर जो पी जाता है ओ नाना जोनी सदा फिरे, नाना जोनी घूरे फिरे, अर्थात जन्म जन्म उसको घूमना पड़ेगा। कदर जो भक्षण करे, कदर मने एकदम घटिया चीज। कदर जो भक्षण करे मतलब ये नहीं कि खाना, सिर्फ खाना। नाना जोनी भ्रमी मारे, कदर जो भक्षण करे, कदर जो मतलब बड़े डाटी। और कदर जो भक्षण करे का नरोत्तम ठाकुर जी का ये कहना है, भक्षण करने का मतलब खाना, ये तो पक्का बात है। लेकिन कदर जो भक्षण करे नरोत्तम ठाकुर का ऐसा सामान्य अर्थ नहीं है। ऐसा सामान्य अर्थ करना उचित नहीं होगी, क्योंकि कदर जो भक्षण करे मतलब नरोत्तम ठाकुर जी का कहना है कि तमाम इंद्रियों के द्वारा अपना अपना विषय भोगों में लगे रहते हैं। आँखों के द्वारा भोजन है, कुत्सित कदाकार चीज़ें, जैसे अजामिल जी आँखों के द्वारा एकदम वेश्या का आचरण देखे, खुल्लम खुल्ला, बस उसमें उसका असत्संगस्तु न कर्तव्य। असत्संग किसी भी हालत से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक असत्संग का फल क्या होते हैं तमाम शास्त्रों में विचार है। कदर जो भक्षण करे मतलब आँखों के द्वारा ये सब कुत्सित कदाकार चीज़ों को देखना, कानों के द्वारा उल्टा सीधा जड़ बंधन होने वाली बात को सुनना, तमाम सारे इंद्रियां के द्वारा अपना कदर जो भक्षण करे तार जन्म अधोपाते जाए। तार जन्म अधोपत में पततिर अधर अध, धीरे 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 अनजाने से कहाँ पहुंच गया पता भी नहीं। एक स्लोपिंग रास्ता है, भजन का रास्ता ऐसा है, ये रास्ता है स्लोपिंग, और इतना ऊंचा जाएगा है जहाँ पहुँचना है। अगर के वहाँ पहुँचने में थोड़ा समय लग गया और आगे थोड़ा पतन हो गया, धीरे धीरे वो स्लोपिंग रास्ता से धीरे धीरे नीचे आकर कहाँ खड़ा हो गया, वहाँ से अगर ऊपर नज़र डाले तो देखिए महाराज कहाँ था, हम कहाँ पहुँचा था, कहाँ से गिर गया, सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ, माना बीच में से। ये स्लोपिंग रास्ता है, पता नहीं चलता कि कितना हम उतर के आए, कितना हमारा डिग्रेडेशन हुआ है असत्संग के द्वारा, ये पता नहीं चलता। क्योंकि नीचे आने के बाद जो ऊपर देखे वहाँ कहाँ है, कहाँ तक हम पहुँच गया था। जैसे कल बताया था सोभरी ऋषि का, सोभरी ऋषि कहाँ तक पहुँच गया, 60,000 वर्ष उसके बाद उसका धीरे धीरे डिग्रेड होते होते एकदम ऐसा स्थिति में आ गया और रोना धोना शुरू कर दिया, तो महाराज हम 60,000 बरस भजन करके सारे गंवाया, खत्म हो गया। माया का इतना प्रभाव है कि गीता जी का जो भावार्थ है उसको समझने में समय लगेगा, और माया देवी का चक्कर ये समझने नहीं देंगी, नहीं देगी। अगर ये समझ में आए तो ये तो गीता जी महाप्रभु में जो कुछ भी है वो समझ में आए तो इसको बोला जाता है एवरग्रीन ह्यूमन साइंस, नित्य जगत का ये एकदम मानव विज्ञान, सब कुछ उसका अंदर भरपूर है, कुछ कमी नहीं है। गहना कर्णों कर्मणों गति ही, गहन मतलब बड़े गंभीर, बहुत जटिल, बहुत एकदम क्रिटिकल कर्म का गति है, कहाँ से लेकर कहाँ खड़ा कर दे जीवात्मा को कोई ठिकाना नहीं। कर्मों का प्रभाव से ही जीव लिंग शरीर को पकड़ के एक जोनी से दूसरा जोनी पर भटकते रहते हैं। ये कर्म ही दाही है, कारण शरीर ये जो कर्म है जीवात्मा का, ये कर्म ही जीवात्मा को, इसको लिंगो शरीर लेकर कर्मों का जो फल है वो लिंग शरीर का साथ धीरे धीरे दूसरा जन्म में पहुंच जाए, फिर जन्म लेने के बाद फिर क्रियाक्रम करे, फिर उसका बाद जो फल प्लस माइनस होनी चाहिए, उसका बाद जो रिजल्ट, इसको वेदों में अपूर्व बोला जाता है, प्लस माइनस। ये जो पहला जन्म में क्रियाक्रम, इस जन्म का प्लस माइनस होगा, जो रेसिड्यू रहे उसको अपूर्व अर्थात कर्म फल प्लस माइनस होके जो वही इसी जन्म में आपको मजबूर कर दे ये जोनि दूसरा जोनि में जाने के लिए, क्योंकि ग्रॉस बॉडी के बिना होता नहीं, कर्म फल भोगने के लिए इस जगत में आना ही पड़ेगा। जदगत्वा न निवर्तन ते तध्यामम परमम मोर, भगवान ने गीता में बता दी, लेकिन पहुंचे तब ना, वो जाना तो मुश्किल। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में ये बताया, यहाँ तक भी बताया, परोक्षवादो वेदो यम बालानम अनुशासनम। वेदों में तरह तरह का विचार बना के रखा है कि ये करो वो करो, इसमें ये मिलेगी वो मिलेगी, ये सब विचार। लेकिन अविरहत्रो जी का वचन में ये मिलता भागवत जी महापुराण में, परोक्षवाद, परोक्षवाद इनडायरेक्ट। आज यहाँ जो गीता में है ठाकुर जी कोई परोक्ष का सहारा नहीं ली, डायरेक्ट जो है ठाकुर जी, भगवान परोक्षवाद पसंद करता है, ठाकुर जी का पसंद है परोक्ष, परोक्ष मम प्रियो। परोक्षवादो वेदो अयम बालानम अनुशासनम कर्म मोक्षायो। कर्म को, कर्मों का जो रिजल्ट है फल है उसको भगाने के लिए, उसको काट के फेंक देने के लिए ये वेदों में जो परोक्षवाद ये करो वो करो, ये बालानम अनुशासनम। मतलब बच्चा को, जैसे बच्चा कड़वा दावा खाना नहीं चाहता, मैया उसको लोभ दिखाकर दवा को खिलाने का कोशिश करती है। बच्चा को कष्ट देना ये मैया का कोई स्वभाव नहीं, इच्छा नहीं, और बच्चा का बीमारी जैसा के तैसा रहे ये भी इच्छा नहीं। तो बीच में क्या है, उसको हटाने के लिए बीमार को ये प्रेस्क्रिप्शन का अनुसार उसको परहेज और दावा चलनी चाहिए। परोक्षवाद वेदोयम बालानम अनुशासनम, बच्चा को भुला के सही मार्ग पे लेने का लिए जो प्रयास प्रचेष्टा है, यही वेदों का इच्छा। वेदों में जो लिखा बहुत सारे कुछ, पुत्रेष्टि यज्ञ, ये आपका बच्चा नहीं है, पुत्र नहीं हुआ, पुत्र से यज्ञ करो तो मिल जाएगा, ये फलाना करो, ये करो वो करो, बड़ा भारी प्रेस्क्रिप्शन दिया हुआ है गीता में। सब विचार कथा आएगी, और वेद विहित तो संध्या वंदन आदि प्रात्यहिक कृत्यों को नित्य कर्म बोला है, लेकिन हमारा परमार्थ रास्ते पे नित्य जो है इटर्नली प्रेजेंट। पर यहाँ गीता में कभी कभी एक ये जो कर्म है जिसका प्रिस्क्रिप्शन वेदों में है, स्वाभाविक रूप तीनों किस्म का नित्य है, नैमित्तिक है, वो काम भेदे तीन प्रकार। नित्य कर्मों संध्या वंदन आदि, नैमित्तिक कर्मों कभी कभी श्राद्ध आदि नैमित्तिक कभी कभी आ जाता, और काम कर्मों जिसका द्वारा हमारा फल मिलने का इच्छा, ये फल कर ये मिलेगा, काम कर्म, ये तीनों के तीनों में भेद है। फिर भी नित्य कर्म तो चलो ठीक है, नैमित्तिक कर्म भी आते रहते संसार में रहने से, लेकिन काम कर्म सबसे बड़ा खतरनाक, काम कर्मों सबसे बड़ा खतरनाक। और गहनो कर्मणा गति ही, एक कर्मों का गति गहरा है, बहुत गंभीर है, इसीलिए वो बताया गया कि ये आपको कहाँ से कहाँ लेकर खड़ा करते। यहाँ भी ऊंचा भी ले सकता है, नीचा भी ले सकता है, ये कहा नहीं जाता कैसा कैसा कर्म है। खीने पुण्य मत लोकम विसंति, अपना कर्म फल के द्वारा स्वर्ग तक पहुंच गया। स्वर्ग तो मेरा सब, स्वर्ग तो हम लोगों का कोई स्थान नहीं है, फिर भी लिखा हुआ गीत में खीने पुण्य मर्तलोकम वितंती, पहुंच गया स्वर्ग तक और अपना पुण्य का जो डिपॉजिट है, पुण्य का जो डिपॉजिट है वो डिप्रिशिएशन और धीरे धीरे खर्चा होते होते, जैसे आपका जेब में बहुत पैसा है, होटल आदि यहाँ वहाँ भगा, उसका पैसा खत्म, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। तो वो स्वर्ग में भी ऐसी, वहाँ अगर उसका खीने पुण्य अर्थात जितना पुण्य का जो पूंजी अगर खत्म हो जाए, उसको धक्का लगा के नीचे चले जाओ, जाओ खीने पुण्य मतलोकम भूषंति। आम आदमी को जितना समझाओ वो मानने के लिए तैयार नहीं है। विषयी आदमी का साथ सबसे बड़ा खतरनाक है। विषयी आदमी का साथ शास्त्रों का चर्चा, चाहे कुछ भी वेश है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, आचार्य, कुछ भी वेश है, प्रभुपाद जी ने खुला में खुला बता दिया, विषयी लोगों का साथ शास्त्रों का चर्चा करने बैठो तो आपका बहुत नुकसान होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। अनुभव जितना है, आज तक जितना भी अनुभव है, वो धीरे धीरे क्षय प्राप्त होके जीरो तक जा सकता, नील, अनिल तो फिर भी अच्छा है, नेगेटिव तरफ जा सकता है। पापा जी ने खुला खुला बताया कि विषयी आदमी का साथ चाहे कुछ भी वेश है, सन्यास वेश है, आचार्य जी वेश, कुछ भी वेश है, पापा जी ने बताया खुला, हम दिखा देंगे कहाँ लिखा है, चैलेंज मत करो, हम दिखा देंगे खुल कर, यहाँ लिखा है, पापा जी बताया। विषयी आदमी का साथ शास्त्रों का चर्चा करने बैठो तो आपका तमाम घाटा है, नुकसान है। नुकसान मतलब रुपया पैसा का नुकसान तो फिर भी कम है, कुछ भी नहीं, लेकिन चेतना का विकास बंद हो जाएगी और डिग्रेडेशन हो जाएगा, चेतना जीरो लेवल पर और नेगेटिव भी जा सकता है। लोके व्यवयामी समद सेवा न ही तत्र लोको चोदना, भागवत जी महापुराण लिखा है। लोगों को बोलने का, एडवाइस देने का कोई जरूरत है नहीं, उसका अंदर में भोग विलास का इतना व्यसन भरपूर है तो अपने आप दौड़ते हैं। इसके लिए कोई अपेक्षा नहीं है कि शास्त्रों में लिखा है कि वो भोग करने के लिए जाओ, ऐसे ही चलता है। पूर्व संस्कार का अनुसार बच्चा धीरे धीरे बड़े होते होते धीरे धीरे जुवा हो गया, धीरे धीरे उसका आकर्षण तो ऐसे ही होते। कोई किताब लिख के लड़की का और आकर्षण होनी चाहिए ऐसा कोई लिखा नहीं, अपने आप हो जाता। लोके व्यवयामी समद सेवा न ही तत्रो चोदना, यहाँ कोई प्रेरणा नहीं है, यहाँ कोई प्रेरणा बोल के कुछ चीज़ नहीं, ऐसे ही लिखा, ऐसे ही दौड़ते रहते हैं। इसलिए खूब विचार लगाकर श्रीमद् भागवत गीता जी का जो शिक्षा है इसको लेनी चाहिए। महाप्रभु जी चैतन्य चरितामृत में आता है, महाप्रभु जी ने बताया कर्म त्याग कर्म निंदा सर्वशास्त्र कहे, कर्म हईते प्रेम भक्ति कोभू नहे, कर्म हईते प्रेम भक्ति कृष्ण कहू नहे। कर्म त्याग और कर्म निंदा दोनों ही सख्त माना है। कर्म त्याग करने का कोई अधिकार है नहीं तुम्हारा, कैसे तुम मायावादी बन के कर्म हमारा अधिकार, कर्म त्याग, अरे कर्म त्याग किया तो खाना भी तो एक कर्म है, सोना भी तो कर्म है, नहाना भी तो कर्म है, तो तुम कर्म त्याग करने का हिम्मत तुम्हारा है नहीं। जब तक शरीर चले तो कर्म तो है ही है, लेकिन कर्मों का जो स्वरूप को अनुभव करके उसको सही रास्ता पे मोड़ना, सही रास्ता पे मोड़ना, ये काम है। गीता जी इसी का उपदेश देंगे। कर्म त्याग, कर्म निंदा, सर्वशास्त्र का कर्मों का निंदा, कर्मों का त्याग, ये सख्त माना है। और कर्म से प्रेम भक्ति कृष्ण कभू न है, कभू कदापि कृष्ण में प्रेम भक्ति संभव नहीं, मिलना संभव नहीं। गीता में दूसरा होता हम विचार करेंगे, देखेंगे, वहाँ लिखा है जमिमाम पुष्पिताम वाचाम इत्यादि श्लोक। पुष्पिताम वाचा माने डेकोरेटिव, लुक्रेटिव ऑफर। इतना पुष्पिता वाचा माने फल फूलों से एकदम भरपूर सुंदर दिखने में, वेदों में एक एक करके रोचक टेस्टफुल उपदेश। जमिमाम पुष्पिताम वाचाम, इस श्लोक को बाद में व्याख्या करेंगे। और वो विचार को लेकर कोई अगर चलना शुरू कर दे, महाराज वेदों में तो ऐसा है, वेदों में तो ऐसा लिखा हुआ है, क्या हमने गलती किया? हाँ ठीक है, इसीलिए बार बार बताया लोके बब्बयामी समद्ध सेवा न ही तत्र लोक तत्र चोदना। ये जो श्लोक टेस्टफुल जो चीज है, लुक्रेटिव ऑफर जो है, उसके लिए हर आदमी दौड़ता है। एक जो पक्का साधु है, तमाम चीज़ों को जो आपका लिए लोभदायक है, आपका लिए जो वस्तु लोभदायक है, फायदादायक है, प्रॉफिटेबल है, एक संत महात्मा का दृष्टि उस तरफ अगर पड़े तो उसका अंदर में छानबीन करके वो उसका जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो देख सकता। ये दर्शन में फर्क है। एक साधु संतों का जो दर्शन है और ये आम आदमी का जो दर्शन, इसी में ये फर्क है। वो जो कुछ भी देखता है उसमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं, क्या फायदा होगी, क्या मजाक होगी। लेकिन संत महात्मा का ऐसा विचार नहीं है, इसलिए वो लोगों को मुसीबत में फंसाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोभ नहीं है। जिसका अंदर में लोभ नहीं है, चाहत नहीं है, उसको क्या कौन सी मुसीबत में फंसाओगे? हाँ, झूठा झूठा इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन उसमें क्यों आचा जाता नहीं। जिसका कोई लोभ नहीं है उसको, हमारा नीति शास्त्र में सुंदर बात आते हैं, बहुत सुंदर, इसको याद रखनी चाहिए। सदयम हृदयम जस्सो वाचः यस्सो सत्वभूषितम कायः परहितम जस्सो कलिहि तस्य करोति किम। सदयम हृदयम जस्यो वाचः सत्वभूषितम कायः परहितम जस्यो कलिहि तस्य करोति किम। कली क्या कर सकती है? कली क्या कर सकता है? सदैव हृदय जसो, जिसका हृदय तमाम दुनिया का मंगल को ढूंढने के लिए व्यस्त है, उसका हृदय है तमाम दुनिया कैसे मंगल होगी। सदैव हृदय जसो, वो सदैव हर वक्त विगलित हृदय है, हर वक्त मंगल का चिंता में लगे हुए, कैसे जगत का मंगल हो। सदैव हृदय जस्व वाचः सत्वभूषितम्, जिसका एक एक शब्द जबान से निकालता सारे सच है, सारे सच है, उसमें झूठा कुछ नहीं है। कोई अगर उल्लूक का पट्ठा अगर बोले, जो भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी का ये बात असत्य है, ये अगर बोले और दूसरा आदमी बोले भारती महाराज जी साधु ही नहीं है, दोनों का मीनिंग एक है। साधु का प्रतिष्ठा है सत्य में। कोई अगर ईर्षा हिंसा करके ये बता दिया कि ये इन्होंने जो बताए ये सही नहीं है, ये असत्य है, असत्य क्यों, अनट्रूथ ये बोलना, और ये साधु साधु नहीं है, ये दोनों बराबर है। क्योंकि उससे कोई साधु से अगर असत्य निकालता है वो भले साधु कैसे हो सकता है, क्योंकि साधु का तो प्रतिष्ठा सत्य में है। साधु शब्द का माने ही है जो सत्य मार्ग में चलने वाले, सत्य मार्ग में सही रास्ता पे चलने वाले वो साधु है। अब वो कैसे झूठा बता सकता, उसका तो कोई सेल्फ इंटरेस्ट है नहीं। तुम्हारा अंदर में प्रतिष्ठा का कोई कमी आ गया होगा, इसलिए झूठा उल्लेम दे रहे हो, है तो हो ही नहीं सकता है। कैसे हो सकता। इसीलिए जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बोलना है, विचार करके बताना जरूरी है। संग वो सबसे बड़ा चीज है। संग अगर गलती हो गया तो गया, उसमें और कोई कुछ नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को दूसरा स्कंद में बता, हम आएंगे विचार करते करते आएगा। जोगस्थ कुरु कर्माणि संयम त्यक्ता धनंजयो, जोगस्थ गुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय। तुम जितना सारे तमाम इस दुनिया का संग है, इस संग को छोड़ दो। त्रिगुणात्मिका ये प्रकृति एक भी आदमी नहीं है जो ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रभाव का बाहर होंगे, बाहर है। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति न अर्जुन, आप ब्रह्म भुवना लोका सामाम दुनिया ये प्रकृति का प्रभाव, प्रकृति क्रिया मानानी गुणो गुणकर्मीर अवसहा, प्रकृति क्रिया मानानी ये श्लोक इसमें एप्लीकेबल है। इसका विचार, इसी का विचार का अनुसार वो लोग चलते रहते हैं। प्रकृति का प्रभाव का बाहर है ये दिखा सको तो बड़ा भारी मुश्किल है, कहाँ से दिखाओगे। दिस वे ऐसे ही एक्चुअली कर्मों को त्याग करना संभव नहीं है। अपना खाना पीना उठना बैठना सब तो कर्म है, लेकिन ये कर्म जो है और कर्मों को त्याग करना ये संभव नहीं है। कर्मों को घृणा करना, कर्मों को त्याग करना संभव नहीं, लेकिन एक चीज हो सकती, कर्मों को घुमा फिरा कर उसको सही रास्ता पे ला दे, ठिकाना पे लगा दे, ये हो सकता। कर्मार्पण ये भी बहुत कठिन, क्योंकि आदमी का जो हमारा कर्तापन, आदमी का जो कर्तापन यही तो रिस्पॉन्सिबल है ना। कर्ता अहम इति मन्यते, आदमी का जो कर्तापन है ये कभी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि हमने राय रामानंद संवाद में ये विचार प्रस्तुत किए थे, जिसमें अगर कर्मार्पण ठाकुर जी का लिए, ठाकुर जी के चरण में कर्मार्पण कर दिया, लेकिन इसमें भी गंदगी है, स्मेल है, अपना कर्तापन का गंदगी इसमें है। हमने तो दिया, कौन दिया, हमने ही तो दिया। कर्मार्पण तो है ही है, लेकिन इसमें भी गंदगी है। लेकिन इसलिए महाप्रभु ये अनुमोदन नहीं, चलो आगे चलो, ये भी सही नहीं है। तो सारे विचार करते करते धीरे धीरे हम लोगों को जाना है, और बहुत आदमी का बहुत पंडित तो हो सकता है, लेकिन गीता कभी किसी को ऐसे पंडित नहीं बोला। भागवत जी महापुराण में ठाकुर जी बताए कि देखो अर्जुन उद्धव जी महाराज के प्रश्नों जो कौन पंडित है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिए कि पंडितो बंधमक्षभित, पंडितो बंधमक्षभित। जो किस चीज़ों में बंधन और किस चीज़ में बंधन होने का चांस और किस चीज़ों में बंधन से छुटकारा मिलने का रास्ता है, ये जिसका पक्का इस विज्ञान को मालूम है वो पंडित। पंडितो बंध मोक्षविद, बंध मोक्षविद, इसमें बंधन इसमें छुटकारा, ये पंडित है। बाकी तमाम आदमी पंडित नहीं हो सकते, ये होता नहीं। जो भी है तमाम गीता का उपदेश देने का बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रश्न किए, बड़ा करुणामय भगवान का जो स्वरूप है बहुत करुणामय। अपना जैसे उस दिन बताया जे रथों के ऊपर अर्जुन सवार है, ठाकुर जी है, और घोड़े का जो लगाम है, रस्सी है, हाथ में पकड़े हुए हैं, अर्थात तमाम जीवों का हृदय में ठाकुर जी बैठे हुए हैं। ये शरीर जो है रथ है, उसमें जीवात्मा रथी है और ठाकुर जी उसको चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन माया का प्रभाव ऐसा है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तमाम गीता का उपदेश होने का बाद अंतिम में ठाकुर जी के ये प्रश्न है, तुम सही ढंग से ये सुना कि नहीं, तुमने सही ढंग से ये सुना? अब सब जितना सारे संशय संदेह जितना सारे सब वो खत्म, नाभि भी है। नष्ट मोहो स्थिर लब्ध्या, ये अर्जुन भगवान को बताए, नष्ट मोह स्थिर लब्ध्या तत्प्रसादात मायाच्युत। तत्प्रसादात, प्रसाद मतलब कृपा, नेट प्रॉफिट, कृपा। नष्ट मोह स्थिर लब्ध्या तत्प्रसादात मायाच्युत। अस्थितोस्मि, आई एम स्टेबल। अभी हमारा स्टेबिलिटी, हमारा जो पैरों का नीचे जो मिट्टी है वो अभी सॉलिड है, अभी स्थितोस्मि गौतो संदेह। जब तक संशय संदेह बने रहे तब तक कोई मुश्किल है, क्योंकि गीता में बताया संशय आत्मा विनाशति। भगवान का नाम धाम परिकर वैशिष्टो धाम, सबको किसी विषय में, पारमार्थिक विषय में कुछ संदेह है, मेटेरियल विषय में संदेह तो अलग चीज है। संशय आत्मा विनाशति। पारमार्थिक राज्य में अगर कोई संशय रहे हृदय में, तुरंत ये संशय को गुरु वैष्णवों के द्वारा समाधान कराना चाहिए। संशय संदेह को ऐसे ही छोड़ दोगे तो बाद में ये इसका हालत नतीजा बहुत खराब हो सकता, क्योंकि ये जो आज का जो संशय है, संदेह है, नेक्स्ट डे या तो किसी दिन ये संदेह जो है वो 10 गुना 20 गुना 100 गुना बढ़ते बढ़ते आपको करप्टेड कर देगा, पूरा आपका स्पिरिचुअल लाइफ, वाइटल स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म कर देगा। इसे कभी भी संशय हो शास्त्रों का विचार में, गुरु जी के बारे में, वैष्णवों के बारे में, नाम धाम, किसी सही जगह जाकर उसका समाधान कराना चाहिए। समाधान अगर नहीं तो मंगल भी नहीं। संशय आत्मा विनाशति ठाकुर जी ने बताया। जिसका अंदर में संशय संदेह है और समाधान ढूंढने का कोई कोशिश भी नहीं की, वो संशय आत्मा विनाशति। तो अर्जुन का कहना है कि पूरा तमाम गीता उपदेश का बाद अर्जुन का कहना है कि नष्टो मोह, हमारा मोह नष्ट हो, खत्म, और स्थिर लब्ध्या, हमारे स्थिर लब्ध मतलब उसका क्या विस्मृति हो गया था, या विस्मृति मतलब लिंकेज, पूर्वा पर विचार जो लिंक है वो अगर टूट जाता है, रेशनैलिटी पूरा खत्म। नष्टो मोह स्थिर लब्ध्या, जैसे धैर्य तो विषाण पुंसाम संगस्ते सुपजायते, संज्ञात संज्ञात काम कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सन्मोह सन्मोहात स्थितिभ्रम स्थितिभ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति प्रणश्यति। स्थितिभ्रम, स्थिति का जो लिंकेज है पूर्वापर, ये गुरु वैष्णव ही गुरु वैष्णव का कृपा का बल के ऊपर हमारा पूर्वापर स्मृति, जिसका पूर्वापर स्मृति नहीं है उसका ब्रेकडाउन है स्मृति में, वो कभी हरिकथा बोल नहीं सकता क्योंकि पूर्वापर विचार बनाने में असमर्थ है। गुरु वैष्णव का कृपा नहीं है, उसका वचन जो है स्कैटर्ड, उसका कोई सिमिट्री नहीं है, ये बोला वो बोला। ये जो स्थिति लब्धा, ये स्थिति जो है ये मामूली स्थिति नहीं है कि रुपया पैसा का स्थिति है ना, भोग विलास का स्थिति नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ये स्थिति है जो लिंकेज, जिसका द्वारा हम भगवान का साथ, गुरु वैष्णव का साथ अपना संबंधों को जोड़ के रखने में समर्थ हो, ये स्थिति स्थिर लब्ध्या। क्योंकि अर्जुन ने हम दिखाएंगे विचार करके, अर्जुन बताएं कि ना हमको तो भिक्षा करना अच्छा, भिक्षा करना ठीक है, लेकिन फिर भी हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करना उचित नहीं है, कैसे हम मरेंगे, ये सब पिता पितामह सारे रिश्तेदार इन्हों सब, उसको हम मारेंगे कैसे, अधर्म है, ठीक नहीं है। लेकिन भगवान का एक फटकार से अर्जुन का भूत उतर गया। भगवान सीधा बता दे, देखो क्लैव्यम अस्मागम अपार्थः, क्लैव्यम अस्मागम अपार्थः नई त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हारा लिए शोभा नहीं देता, ये क्लिप क्लिप क्यों बताया महाराज, एक तो अपना दोस्त अर्जुन को धक्का लगाने के लिए, और इसका अंदर में गहरा विचार है, क्यों क्लिप बताया महाराज। और दूसरा कुछ गाली दे देते नहीं, ठाकुर जी का विचार पक्का है, इसमें क्लैव्यम अस्मागम अपार्थः जो क्लिप बताए इसका कारण ये है, मानो कि ठाकुर जी कहना चाहता है कि देखो अगर तुम अगर मर्द होते, मर्द हैं, मर्दाना जनाना मर्दाना, अगर मर्द होते तो तुम हैं, तुम्हारा लिए ये कैसा संभव है, अगर तुम मर्द होते तो तुम्हारा लिए संभव है सब, और तुम मर्द नहीं हो पाए, और इसमें अगर तुम कोई जनानी का रूप पकड़, उसमें भी दो चार बच्चा का बीज संतान का पैदा है ना करना संभव नहीं, असंभव नहीं, तो तुम्हारा लिए ये संभव नहीं, तुम वीर नहीं है, क्लिप तुम युद्ध में परन्मुख, अपना कर्तव्यों से अपना मुंह को मोड़ लिया, ये मर्द हो तो करो लड़ाई, और जनानी हो तो दो चार बच्चा का पैदा देके संसार को पुष्ट करो, अच्छा, और दोनों में एक भी नहीं है, तुम दोनों का बीच में हो तुम, एक भी नहीं है। इसलिए ठाकुर जी उसको ऐसा बताया। तो अंतिम में तमाम जब गीता का उपदेश खत्म होने वाली, इसने अर्जुन स्वीकार कर लिए, ठीक है, स्थितोस्मि गते संधि हो, हम विचार को बना लिया, हमारा संशय संदेह का पूरा विनाश, अकरिष्य वचनम तबो, अब तुम्हारा वचन सुनेंगे। अब पहले बताया जब संशय संदेह धीरे धीरे बढ़ते चले तो बोले अंतिम में जो रेस्टलेस बेचैनी पैदा हुआ, कांपने लगे पूरा शरीर, युद्ध क्षेत्रों में कौन कौन उपस्थित है इसको देखने के बाद इसका जो नतीजा है वो आंखों का सामने दिखाई पड़ा। तब तो अर्जुन ने भगवान को बताया कि देखो स्वाधि माम तम प्रपन्यम, हमको शिक्षा दो, हमको विचार बताओ, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वाधि माम तम प्रपन्यम, स्वाधि माम तम प्रपन्यम मतलब हमको शिक्षा तरंग चढ़ाओ, और हम प्रपन्न हैं, शरणागत। लेकिन शरणागत जो है, अभी तो अर्जुन ने बताए जैसे हमारा दीक्षा में होता है ना, गुरु जी के पास आया, शरणागत तो हो नहीं पाए। शरणागत का जो दीक्षा हुआ सब कुछ हुआ, शरणागति अगर पहले ही हो जाए तो काम खत्म। लेकिन शरणागत जो है उतना इजी बात नहीं है, उतना सीधा बात नहीं है। जिस दिन दीक्षा लेने का विचार बनाकर आए, रूप गोस्वामी बात बताएं कि देखो आदौ गुरु पदाश्रय तस्मात् किष्ट दीक्षादि शिक्षणम, पहले गुरु को अंतर से ग्रहण करो, उसका बाद प्रार्थना करो, विनम्र भाव से हमको बचा लो और दीक्षा दे। आदौ गुरु पदाश्रय at all the question of accepting guru kudupadashraya, guru padashraya, guru charan mein apna man ko samarpit karo। adau guru padashraya, padashraya matlab आश्रय लेने का मतलब ये नहीं कि आज आश्रय लिया कल धक्का लगा दिया, कोई अपना इंटरेस्ट का धक्का लगा दो, छोड़ दो। आदौ गुरु पदाश्रय मतलब पूरा तमाम विचार बुद्धि लगा, सारे हमारा दूसरा कोई चारा नहीं, रास्ता नहीं, एक गुरु चरण है, ऐसा तमाम विचार बना के एकदम पक्का हो जाना आदौ गुरु पदाश्रय। तात्कालिक आश्रय नहीं है कि हम रिफ्यूजी बन के आए हैं बांग्लादेश से, युद्ध खत्म हो जाए तो फिर चले जाए, ये शरणार्थी है ना, है ये तो शरणार्थी है, युद्ध का हालत पैदा हुआ वो उधर से आ गया, वो शरणार्थी है भारत में, ओ युद्ध खत्म हो गया फिर चला गया। तात्कालिक को ऑफिस कचौरी में बिग बॉस का अनुगत करना है, वो भी ऑफिस से निकल जाओ बाहर जाओ तो कोई खत्म। सारे जितना सारे सबमिशन है, शरणापत्ति है। ये जगत में स्त्री स्वामी का चरण में शरणापत्ति दिखाती है तमाम तात्कालिक। लेकिन ये सब तात्कालिक आश्रय लेने का जो मतलब बेमतलब है, ये कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो शरणापत्ति है ये वास्तव शरणापत्ति। जब दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, वास्तव शरणापत्ति हो गया तो इसमें तो झमेला खत्म। सही काले कृष्ण तेरे करे आत्मसम माने अपना सच्चिदानंद स्वरूप उसको भी दे दे, आप करो, क्योंकि प्राकृत भूमिका में अपराकृत भूमिका का भजन करो, ये संभव कैसे है? ठाकुर जी गुरु वैष्णव अपराकृत भूमिका में, हम प्राकृत भूमिका में। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण अर्थात पहले गुरुचरण का महिमा जानने का बाद अंतर से गुरुचरण को ग्रहण करो, अपना सबमिशन कर दो, उसका बाद प्रार्थना करो। हम जैसे नरोत्तम ठाकुर जी ने किया, लोकनाथ गोसाई के पहले आत्म सबमिशन कर दिया, उसके बाद रोना धोना। आप दीक्षा प्रभुपाद जी भी ऐसा, प्रभुपाद जी गौर किशोर फिर दीक्षा 18 बार जब वंचना किए, बोला आपको दीक्षा देने का दरकार नहीं, हम अपना जीवन जिंदगी को समाप्त कर देंगे, हम गंगा में छलंग लगाएंगे, दौड़ना शुरू कर दिया। मतलब सबमिशन पहले ही हो गया। हमारा ये जगत में जो अभी का जो प्रक्रिया, दीक्षा का प्रक्रिया चल रहा है, दीक्षा क्या चीज़ है ये समझनी चाहिए। पहले दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण आदौ गुरु पदाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। कृष्ण दीक्षा एवं शिक्षा का प्रसंग बाद में आता, पहले सबमिशन हुआ कि नहीं। प्रणि तद्विधि प्रणिपातेन परिवेशनेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये तत्वदर्शी ज्ञानीगण तत्वविदगण आपको ये जो तत्व विज्ञान है देने के लिए तैयार है, लेकिन तद्विधि जरूर ये समझ लेना। तद्विधि पुनिपात है ना परिवेश सेवाएं, 3 कंडीशन है। अर्जुन अभी स्वाधिमाम तम प्रपन्नम बल के पड़ा हुआ, लेकिन इसका अंदर में अभी भी संशय संदेह का कोई सेटलमेंट नहीं दिखाई पड़ा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे सूर्य का जन्म बहुत पहले, आप काल का छोड़ा हो, अब कैसे बोल सकते? ऐसे संशय संदेह चलते रहे। ये भी ठाकुर जी का एक कृपा है, वो अगर संशय संदेह प्रश्न ना करे तो गीता का प्रवचन कैसे बन सकता? पंडितो बंध मोक्षवीत, ये बताया गीता, भगवत जी महापुराण। गीता में विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गोभी होस्तिनी, सारे तमाम इसमें जो समदर्शन है यो पंडित है। हर घट घट में परमात्मा का दर्शन होना, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गोभी होस्तिनी है, ये जो विचार है ये विचार पक्का है, ये है पंडित, वास्तव पंडित। जड़ जगत का जो संस्कृत का थोड़ा विद्वान हो गया, बस पंडित बसा है, पंडित जी आ गए ना, ये पंडित नहीं, ये पंडित नहीं। और भगवान बताए कि देखो सर्वभूतों में हमको दर्शन करना, जो मांग पश्यति सर्वत्रो सर्वम च मई पश्यति। छठा नंबर अध्याय पे ये है, जो मांग पश्यति, जो किसी और नजर को डाले हम ही हम दिखाई पड़े, जो मांग पश्यति सर्वत्रो सर्वम च मई पश्यति, मतलब जहाँ जिस तरफ नजर को डाले हर वक़्त हर घट घट में हर स्थान पर प्रभु का उपस्थिति का अनुभूति। जो माम पश्यति सर्वत्र आ सर्वम चौमयी पश्यति, आ सर्वो चीज़ों को हमारा अंदर देखना, हर चीज़ों में हमको देखना। और तमाम चीज़ों के मेरा अंदर देखना, ये कोई आसान बात नहीं। शत्रु मित्रों को समान देखना, मान अपमान को समान देखना, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड अलाभ को समान देखना, ये कोई मामूली बात नहीं। बोलने में बहुत आसान है, प्रवचन देना बहुत आसान है, लंबा चौड़ा, लेकिन इसमें प्रतिष्ठित हो पाना बहुत मुश्किल। जिसको अमृत नहीं मिला वो कैसे बेचैनी तो हटेगा नहीं। अमृत मतलब भक्ति, मई भक्ति ही उतानम अमृतोत्ताय कल्पते। और गीता का पूरा प्रवचन का तो यही ख्याल है कि जीव को शरणापत्ति का रास्ते में लाकर उसको भक्ति चखाओ। एक दफे भक्ति का आस्वादन मिले तो अपने आप चलना शुरू कर दे। अब उसका अंदर में जितना सारा बेचैनी है, संशय संदेह, उसको कौन हटाए? बाजार में जाओ, इंटरनेट खोजो, कोई समस्या का समाधान बनाओ, बना के दिखाओ मेरे को, ठाकुर जी प्राप्त हुआ। जाओ, इंटरनेट तो है ही है तुम्हारा, अब बाजार में बहुत सब जानकारी है, पैसा भी है जेब में, जाओ जाके भगवत भजन करके दिखा दो। जाओ, एकमात्र तत्वविद अनुभवशील साधु का सामने अगर पहुंच पाओगे, उसका अगर करुणा का प्राप्त हुई, बस सारे समस्या खत्म। सुख दुख, मान अपमान, शत्रु मित्र, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको समान देखना वो कोई मामूली बात नहीं। गीता का जो ठाकुर जी का प्रवचन ये बड़ा मर्मस्पर्शी है, इट कैन टच आवर हार्ट। मानो कि ठाकुर जी का हृदय पिघल गया। अर्जुन को एक बद्ध जीव का भूमिका में खड़ा कर ठाकुर जी पूरा गीता का प्रवचन रख दी, और ऐसा लगता है कि अर्जुन का ये हालत देखकर ठाकुर जी का हृदय पिघल गया। जैसे वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, जैसे दुनिया का ऐसा हालत है, जितना कष्ट है बद्ध जीवों का, ये देखकर संत महात्मा के हृदय पिघल जाते। उसका बंधन दशा देखकर बड़ा दुख होते हैं लोगों के। तमाम गीता में एक एक करके उपदेश जो है बड़ा मधुर है, बड़ा मधुर मर्मस्पर्शिया। इट कैन हार्ट इज टच, टच योर हार्ट, हार्ट हृदय को स्पर्श करने वाले। जैसे कि भक्तों के लिए भगवान का हृदय पिघल गया, रोना शुरू कर दिया ठाकुर जी। इसका जो बीमारी है, बीमारी को हटाने के लिए ठाकुर जी प्रतिज्ञाबद्ध है। हम इसको समझाएंगे जरूर, इसको सही रास्ता पे लाएंगे, ये ठाकुर जी का विचार है। हमारा जीवन जिंदगी का लक्ष्य जो है ये ठीक नहीं है। दुखों का कई सारे कारण हैं। इस जड़ जगत में अगर सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे? जीवन का जो लक्ष्य है ये स्थिर नहीं है। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो चाहत है, बदलते रहते हैं। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बताए कीर्तन में, बड़ा हंसी का चीज़ है, जहाँ चाही तहाँ भूल करे चाही, जहाँ पाई तहाँ चाही ना। जहाँ चाही, जो हम चाहते रहते हैं ठाकुर जी, वो भूल करके मांगा, गलती से मांगा, और मांगने के बाद जो प्राप्त हुआ उससे कष्ट मिला, उसका बाद हमको नहीं चाहिए। जहाँ चाही तहाँ भूल करे चाहे, जहाँ पाई तहाँ चाही ना। जो मिला है, नहीं 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 चाहिए, इतना कष्ट है इसमें, ना 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 ना, हमको नहीं चाहिए। तो बाद में पता चला, गाधे को तो बाद में ही पता चलता है, गाधे को तो बाद में ही पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। खुरा बोझ आए, धक्का मुक्की होए, कष्ट मिले, ओ अब ठीक है। जम लब्ध्या चा परम लाभम मन्नते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचलते। यही स्थिति होनी चाहिए। वो वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास प्रचेष्टा लगाओ। जंग लब्ध्या, जिसको प्राप्त करने का बाद, चापरम लाभम, दूसरा कोई लाभ, दूसरा कोई प्रलोभन, ये कुछ बिगड़ नहीं सकता तुमको, ये होनी चाहिए। जंग लब्ध्या चापरम लाभम मन्नते न अधिकम तथा। ये देख लिया ना, जो असली चीज वो देख लिया, देखने का बात ये हंगामा क्या करे। इसमें मन का लगन नहीं लग सकता। जंग लब्धा चा परम लाभम मन्नते न अधिकम तथा, जो प्राप्ति होने का बाद दूसरा, ये जगत का तमाम दुनिया का कोई लाभ एंड नुकसान, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं बिगड़ सकता। जस्मिन स्थितो, जिसमें अवस्थित होके, जस्मिन स्थितो तत्वज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना, जस्मिन स्थितो इसी का मतलब है। जस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचलते, जिसमें अवस्थिति होने का बाद जितना सारे दुख, तमाम दुनिया का दुख है, कष्ट है, कुछ भी हुआ, इसके द्वारा मन का स्थिति जो है, हृदय का स्थिति जरा सा भी बिगड़ने वाला नहीं है। जस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचलते, विचलते विचल विचलित होना, घबरा जाना, ये संभव नहीं। जिसको प्राप्त करने का बाद और कोई चीज अधूरा नहीं रह जाता। प्राप्ति का जो विषय है, ये तो बहुत तमाम चीज है, और जिसको प्राप्त करने के बाद आप और कोई बेचैनी नहीं टिकी। इसको बोला है पाप, उसको बोला लक्ष्य वस्तु, ये टारगेट होनी चाहिए। हम लोग का टारगेट, हमारा जो जिंदगी का जो टारगेट है, लक्ष्य वस्तु है, ये अनस्टेबल है। इसीलिए जितना हंगामा पैदा होता है, ये पीछे ये कारण है, एक ही कारण, नो स्टेबिलिटी। हमारा जिंदगी को स्टेबिलिटी नहीं है, सेटलमेंट नहीं है। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, और मिलने का बाद क्यों मिला, ये बड़ा हंगामा हो गया, नहीं चाहिए। जैसे आत्मदेव जी महाराज को पक्का बताया गया, देखो आपका साथ जिंदगी भी तक आपको कोई बाल बच्चा पैदा होने का कोई चांस नहीं, नहीं हम नहीं सुन, हमको देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे, सन्यासी को बोल रहा है संत, माँ आप नहीं दोगे, आपका सामने हम आत्महत्या कर लेंगे, खुदकशी करेंगे। अरे रुक जा। अब जब बच्चा मिला तो बोला क्यों मिला, जब मिल गया, जब खटिया खड़ा हो गया तब बोल रहा है महाराज तो नहीं चाहिए था, अब तो चाह मंगा तो है। इसलिए कामना वासना से बिल्कुल अपने को हटाना चाहिए। कामना वासना ही जितना सारे नॉर्मली ठाकुर जी को सामने रखकर, डिवोशन हमारा पक्का रखकर, नॉर्मली स्वाभाविक रूप से भक्ति का क्रियाक्रम ये व्यवस्थित है। गीता में अल्टीमेट यही बताया। अर्जुन का बहुत सारे प्रश्न हैं, अरे कहाँ से ये सब पाप आचरण करने का प्रवृत्ति पैदा हो जाता, कहाँ से आता है। अथो केन प्रयुक्तयम पापम चरति पुरुषः, पुरुषः मतलब ये पुरुष जनानी ये नहीं है, पुरुषः मतलब जीवात्मा। ये शरीर जो है इसको पूर कहा गया, यह मंदिर पूरे बसती इति पूरः पुरुषः। ये जो आत्मा जो है, जीवात्मा, ये शरीर का अंदर बसते हैं, इसलिए पुरुष पूरे देहे बसती इति पुरुषः। चाहे लड़की हो, लड़का हो, कुछ भी हो, जड़ शरीर का अंदर जो आत्मा। अर्जुन का प्रश्न है जो अथो केन प्रयुक्त पापं चरति, किसके द्वारा प्रेरित होकर ये सब। पुरुष का और भी अर्थ है, एक पुरुष का मतलब जो अपना डुअरशिप, अपना जो कर्तापन, इसमें प्रतिष्ठित अहम, इसको भी पुरुषाकार, जिसको शास्त्रों में पुरुषाकार माने हमारा पुरुष, हमारा पौरुष, हमारा अपना पौरुष के ऊपर हम भरोसा करके करेंगे। ये पौरुष मतलब अपना बल बीर्जों के ऊपर आस्था रखना, ये भी इसमें भी पुरुष शब्दों का व्यवहार है। अथोक्यन प्रयुक्तयन पापन चरति पुरुष, जो कर्तापन जिसका अंदर में है, वो किस कारण, केनो अथोक्यनो प्रयुक्तयन, कैसे पाप आचरण करते रहते, कौन इसको पाप में लगा देता है। अनिच्छन नोपी वर्षे और बलादिवनीय, जैसे लगता है कि कोई अननोन फोर्स, कहाँ से आ गया और जोर जबरदस्ती इसको लगा दिया। अनिच्छन नोपी, इच्छा नहीं है कि पाप करे, ऐसा कोई इच्छा नहीं कि हम जोर जोर पाप करने के लिए, ना ऐसा नहीं। अनिच्छन नोपी वर्षे और बलादिवनीय, इच्छा नहीं है फिर भी, जैसे कोई अननोन एकता कहाँ से एक बल है वो उसको जोर जबरदस्ती शक्ति लगा देती है पाप आचरण में। ये सबसे बड़ा अद्भुत चीज है जो जो जीवों का दर्शन अंतर्मुखी हो पाया। जीवो मतलब जो आदमी, पशु तो चिंता नहीं कर सकता। अंतर्मुखी दर्शन है, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। बहिर्मुखी दर्शन के द्वारा बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं जीव, अंतर्मुखी दृष्टि के द्वारा अंतर आत्मा का ओर देखने का कोशिश करो। आज नहीं तो काल गुरु वैष्णव का कृपा से आपको ये पता चलेगी जे अंतर में ही सतसिद्ध ज्ञान है। विद्या अविद्या, विद्या भी है अविद्या भी है नित्य काल से, अकॉर्डिंग टू यू नो अवस्था का मुताबिक, हालत का मुताबिक, सिचुएशन का मुताबिक, वो अपना संस्कार का मुताबिक वो विद्या को छुपा देता है, अविद्या को बढ़ा देता है। अथो के न प्रयुक्त एवं पापन चरति पुरुषः, ये कृष्ण अर्जुन का प्रश्न है। अनिच्छा नो विवार से, इच्छा नहीं है फिर भी कौन क्यों कैसे जोर जबरदस्ती उसको पाप कर्म में लगा देता है। इसका पीछे एक ही कारण है, ठाकुर जी उसका उत्तर दिए। काम एषो क्रोध एषो रजो गुणो समद्भवः महासनो महापापना विद्धिनम एनम वैरियम एनम। इसी को वैरी, तमाम दुनिया को आप शत्रु मन के बैठे हुए हो। शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु अपना अंतर में छुपा हुआ है, उसको निकाल के फेंको। काम एषो क्रोध एषो रजो गुणो समद्भवः महासन महापापना विधिनम एनम वैरियम। इसको शत्रु मानो, ये शत्रु है पक्का। यही पक्का शत्रु आपको मुसीबत में डालने के लिए था। काम एषो क्रोध एषो, काम क्रोध, क्रोध एषो रजोगुण समझ लो, काम एषो क्रोध एषो रजोगुण समझ। रजोगुण से उत्पन्न इसमें डुअरशिप छुपा हुआ कारण है, कर्तापन। इसे कर्तापन है, अगर कर्तापन है तो कर्तापन होने के सामने सामने ये भी भाव है, हम भोगने वाला, हम त्याग करने वाला, हम एंजॉय करने वाला, ये तो हाई है, कर्तापन है। अगर कर्तापन है इसका साथ साथ ये होनी चाहिए ऑटोमेटिक, कर्तापन है तो हम भोगता है, हम करता है, हम त्यागी है, हम जोगी है, बड़ा बड़ा भाव। अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मानते, ये सबसे बड़ा बूढ़ा कारण है जिसके लिए तमाम दुनिया उल्टा रास्ता पे चल रहा है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, सब उल्टा रास्ता पे चल रहा है। यही रास्ता ठीक है, वो ऐसा बोलते रहते हैं, उनका काम ही है ऐसा बोलो। तमाम दुनिया उल्टा रास्ता भी चल रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, गीता का प्रवचन का अंतिम जो उपदेश है उसमें अगर हम लोग स्थिति हो जाए तो सारे समस्या का समाधान। गीता का अंतिम उपदेश, इसमें भागवत धर्म शुरू होने का चांस है पूरा। जहाँ गीता का उपदेश खत्म, अंतिम उपदेश, वहाँ से भागवत धर्म का शुरुआत है, एंट्रेंस है। सर्वधर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। भगवान का ओपन डिक्लेरेशन, खुल्लम खुल्ला बताया, देखो हम तुमको कहीं भी पाप पुण्य कुछ भी हो। अब पुण्य तो और भी खतरा है, अरे पुण्य खतरा है हमारा, हम पुण्य खतरा और ज़्यादा है, क्योंकि पुण्य से सुखेर धाम नालयो तार नाम। नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि देखो पुण्यों का बाद माथा उठाओ, मत उठाओ, हम सुनने के लिए तैयार नहीं। पुण्य से सुखेर धाम नालोइयो तार नाम। पुण्य और खतरा है, और खतरा है महाराज। पुण्य तो अच्छा है ना, पुण्य तो अच्छा है, तुम्हारा लिए अच्छा है, जो ठाकुर है ना, बच्चा के लिए अच्छा है, बच्चा के लिए सबको अच्छा है, बच्चा के लिए क्या अच्छा नहीं। आग भी अच्छा है, आग में हाथ देने के लिए जाता है बच्चा, तो बच्चा के लिए सभी अच्छा है। पुण्य से सुखेर धाम नालोइयो तार नाम। नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि पुण्यों का खजाना मिल गया, पुण्य से सुखे धाम। तो हमको सुखे बंधा, सुखे सुख, सुख के द्वारा हमको बंधन में डालेगा। अच्छा, हाँ, पुण्य से सुखेर धाम नालोइयो तार नाम। अगर पुण्यों का खजाना मिला तो उसमें क्या होगा, हमको पुण्यों का, पुण्य मतलब सुखे धाम, एंजॉयमेंट, सुख, और सुख प्राप्त करते 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 हमारा जरा सा भी तपस्या का जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, ये भी छूट जाएगी। उससे अच्छा तो नहीं, हमको नहीं चाहिए ऐसी ऋषि, कुछ नहीं चाहिए। एक साधु के लिए नॉर्मल सिचुएशन जो ठाकुर जी गरम दिया है, ठाकुर जी वो भी सहन करने के लिए दिया है। ठाकुर जी क्या पागल है, तुमको गरम दिया है तो गरम को सहन करो। शीत उष्ण सुख दुक्षदा जो कुछ भी है, शीत उष्ण सुख दुक्ष जो कुछ भी है, तथा मानव मानयो, सब कुछ को सहन करो। गर्मी दिया है मतलब गर्मी को सहन करो। वानप्रस्थ अवस्था में तो महाराज सब कुछ लिखा हुआ है, संन्यास वानप्रस्थ में क्या क्या लिखा है, ब्रह्मचारी क्या क्या लिखा है, बहुत कुछ। सारे सहन करने के लिए, हटाने के लिए गर्म दिया है, हटा दो गर्म, ऐसा नहीं, सब सहन करना पड़े। तो पुण्यों से सुखेर धाम, ये पुण्य के द्वारा जो हमको सुख को प्राप्ति है ना, ये सुख जो है अंतिम में मेरे को, मेरा जो कुछ भी अच्छा सहन करने का अभ्यास, वो सब टूट जाएगा। सुख भोग करते करते हम कहाँ तक, कहाँ से कहाँ गिरने वाला है, ये सोच नहीं सकता। जो जितना सुख चाहे वो उतना ही सुख, उसको कमी है। जो जितना सुख, जिसको जितना सुख मिले वो उतना ही कमी है, वो कुछ नहीं हो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन बोल के कोई चीज़ है नहीं। इसमें शांति, इसमें जो सेटिस्फेक्शन है, पूर्ति, ये नहीं है। ये ऐसा चीज ही, ये चीज ही कुछ ऐसा है, जितना भक्ति करो उतना सुख चाहिए, उतना सुख दिया और सुख चाहिए, ऐसा अभ्यास। ये सुख और दुख जो है, जो कुछ भी है इस जड़ जगत में, इसका कोई त्रैकालिक अस्तित्व नहीं है। ये हमारा अनुभूति पे उतारता है, इसलिए कि हम बद्ध दशा में हैं। वास्तविक रूप से ये सुख दुखों का जो विषय है, इसका कोई त्रैकालिक अस्तित्व नहीं है, अर्थात पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसका बैकग्राउंड, प्रेक्षापट, इसमें उसका त्रैकालिक अस्तित्व नहीं है। जो अभी सुख है, काल दुख, अकाल दुख है, परशु सुख, और भी हमारा लिए जो सुखदायक है तुम्हारे लिए दुखदायक है, तुम्हारा लिए जो ये दुखदायक है उसका लिए सुखदायक है। जो -20 डिग्री में अब पैदा होने वाला आदमी है, वो राजस्थान में ले जाओ, वहाँ आज इतना गर्मी है, उसका लिए गर्मी है, कष्ट लगे। और ये यहाँ नॉर्मली जो रहते हैं उसको अगर -20 में, महाराज इतना मर जाएंगे हम, उसका लिए दुखदायक है। ऐसे हमारा लिए सुखदायक है, आपका लिए दुखदायक है, आपका लिए दुखदायक है, हमारे लिए सुखदायक है। मैन टू मैन वेरी करता है, अपना पूर्व संस्कार के अनुसार ये सुख और दुख का जो डेफिनेशन है इसका कोई पक्का डेफिनेशन नहीं है। हाँ, यहाँ तक हम बोल सकते हैं बद्ध दशा में अपना पूर्व संस्कार के अनुसार जो विषय वस्तु को अनुकूल समझते हैं वो सुखदायक है, जिस चीज को प्रतिकूल समझते वो दुखदायक है, ये बोल सकता है। पक्का कोई डेफिनेशन नहीं है, सुख और दुख का डेफिनेशन है नहीं। अपराकृत जगत में जाओ तो इसका डेफिनेशन जरूर है। भगवान और गुरु वैष्णव का जो संग है उससे अगर हम दूर चले जाए ये दुखदायक है, ये पक्का दुख है। इसको विरह, ये जो विरह है ये विरह हमारा मिलन का ही रास्ता है। ये जगत में जो विरह है, दुख है, जो कुछ भी है, इससे हमारा ठाकुर जी अपराकृत जगत बहुत दूर दूर चले जाएंगे, हम दफा चले जाएंगे बहुत दूर। और अपराकृत जगत में जो दुखदायक है, विरह है, वो जितना विरह यंत्रणा उतना ही मिलन का पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अर्थात अपराकृत जगत में विरह होनी चाहिए, विरह नहीं होने से मिलन नहीं। ये बड़ा अद्भुत विचार है। सुख है कि क्या सुख है ये भक्तिविनोद ठाकुर बताए, तुम्हार सेवाए दुख है यह तो सेव तो परम सुख। भक्तिविनोद ठाकुर पक्का डेफिनेशन बताए। अपराकृत जगत में कोई भी सेवा, ऐसा नहीं कि वाणी सेवा, कोई भी सेवा करने जाओ तो उसमें तो विपत्ति आए जरूर। सेवा किया विपत्ति नहीं है या फाइटिंग नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे राधा रानी स्वयं, राधा रानी का ग्रुप का साथ ललिता भी उसका साथ फाइटिंग चलते रहते, तो हमारा वाणी सेवा में अगर विपत्ति है या लड़ाई वो आ सकता है। तरह तरह का विचार है आदमियों का अंदर, वो कर सकता है, कुछ भी करने दो। तुम्हार सेवाए दुख है यह तो सेव तो परम सुख। तुम्हारा सेवा में जितना दुख क्यों ना हो, कितना भी दुख क्यों ना हो, ये सुखदायक है। इसको बोलता है सेवा सुख। सेवा सुख बद्ध जीव को कैसे मिल सकता है? ये तो सेवा का पता ही नहीं, जानता ही नहीं क्या कौन सी सेवा क्या है। काल हमने बताया कि देखो ये जगत का विचार ऐसा है, किसी कर्तव्य को पालन करने जाओ तो दूसरा एक कर्तव्य छूट जाए, एक करने जाओगे दूसरा नहीं होता। ये जीवन का जीवन का जो इतिहास है, ये इसका ये नियम है, एक करने जाओ तो दूसरा छूट जाए, एक साथ सारे हो नहीं सकता। ये जगत में कर्मों का एक भूमि है, जिसमें आदमी कर्म का भूमि है। मानव जीवन में दो भूमिका है, एक कर्म का भूमि, एक रस का भूमि। और अपराकृत जगत में इसको लगाओ ये फॉर्मूला को, वो तो एक्सेलेंट हो जाता। ये कर्म का भूमि, और कर्म क्यों रहे हैं कि रस प्राप्ति करने के लिए, सुख प्राप्ति करने के लिए। दो भूमिका मानव जीवन में, दो भूमिका है, एक कर्म का भूमि, एक रस की भूमि। रस नहीं है तो कुछ कोई जीना चाहता है, रसो वैसा रस एवही अयम लब्धानंदी भवती, जिससे आनंद लेकर जीव आनंद से उछल पड़ते हैं, चाहे मेटेरियल आनंद हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, यह कोई फर्क नहीं। आनंद तो आनंद का पूरा सोर्स है ठाकुर जी। रसो एवही अयम, यही रस का पूरा सोर्स है, जिससे तमाम जगत रस प्राप्त करके जीने का इच्छा रखती है। जीने का चाहत नहीं, अगर रस नहीं है कि जीने का इच्छा ही नहीं, तो रस सबके अंदर कम थोड़ा बहुत इधर है ही है, यहाँ तक कि मच्छर जो है उसका अंदर में रस का अनुभूति, वो अगर नहीं है तो मरने जाओ तो भागता है, हम नया नया खून पिएगा। हर कोई का अंदर जीने का इच्छा, रस नहीं है तो कोई जी सकता, रस के बिना कौन जीने का इच्छा प्रकाश करे, कोई नहीं जीना चाहता। जर्मन का एक साइंटिस्ट, उसका नाम शायद कांट है, कांट ने बड़ा सुंदर दो प्रस्तुत किए, दो तीन चीज इतना सुंदर प्रस्तुत किए कि हमारा मुनि ऋषियों ने जो विचार बनाया उतना तक तो पहुंच नहीं पाए कि अधूरा उसका विचार, फिर भी अच्छा आप लोगों के लिए अच्छा है। कांट ओपनली बता दी, देखो हमारा अंदर में अंतरात्मा, अंदर में दो चीज का भयंकर डर पैदा होता है। एक चीज है डर, किस बात की? बोले महाराज जब हम खुले आसमान में नजर डालते हैं रात का टाइम में, अरे क्या चीज है ऊपर, ये सब क्या है, और हम कहाँ का कंपैरेटिव स्टेटमेंट करने जाओ हैं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा अस्तित्व जो है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है कहाँ है, ये अनंत ब्रह्मांड का विथ रेस्पेक्ट टू दिस इन्फिनिटी वर्ल्ड हमारा क्षुद्र जीव बालग्रो भागस्व सतभागस्व सतधा कल्पितस्य च, ये भी एक तो दर्शन दिया हुआ है उपनिषद, लेकिन ये विचार में लाना बहुत मुश्किल है, कितना क्षुद्र है ये जीव। और जीव का आस्फालन देखो, कर्ता अहम इति मन्यते, इतना क्षुद्र जीव है पता नहीं चलेगा, एक धूला का भी एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये आत्मा कितना छोटी, बाप रे बाप, इसका आस्फालन देखो। अरे हम देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है करो। कांट जी बताए कि देखो जब आप आसमान पर नजर डालते हैं रात का टाइम, हैरान हो जाते क्या चीज है, किसने बनाया, अरे बाप रे बाप, हम कौन हैं, ये क्वेश्चन आता, बड़ा क्षुद्र है हम। ये जो बनाए हैं अनंत ब्रह्मांड को, उसका स्थिति कहाँ है, हम कहाँ हैं, इसको देख के भयभीत हो जाते हैं, तो हमारा अस्तित्व कहाँ है, ये जन्म के बाद मृत्यु के बाद कहाँ जाए, कहाँ पहुँच जाएंगे हम, हाय भगवान कौन है हम। और एक चीज है कांट जी बताएं कि देखो जब कोई गलत काम कर दिया, उचित नहीं है, एथिकल नहीं है, ऐसा कुछ काम हम कर दिया अचानक, अथोक न प्रयुक्त हम, ये फॉर्मूला को लगाओ, अथोक न प्रयुक्त हम पापन चरति पुरुष, हमने थोड़ा गलती काम कर दिया, पाप काम कर दिया, उसका बाद ना जाने क्यों अंतर से कौन बोल रहा है, hey, क्यों ऐसा किया, कौन न जाने कौन धमकी देता है, अंदर से एक मोरल डायलॉग आता है, किस लिए ऐसा किया, हाँ ये कौन बोलता है अंतरात्मा से, हमने खराब काम कर दिया, पाप काम कर दिया, और उसका बाद अंतर से आता है एक रिस्पॉन्स, कौन क्यों किया, तब हम भयभीत हो जाते। ये दोनों चीज में मेरा एकदम ये पक्का बात है, इसमें गीता में इसका भी समाधान जरूर है। और एक चीज जिसको समझने में कठिनाई होगी नहीं होगी अगर सही विचार बना के बैठे हुए हैं। कांट ने बताया कि देखो ये अनंत ब्रह्मांड जो है इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, हमको लगता है इसका कोई सेंटर पॉइंट जरूर है, एक ओरिजिनल सोर्स इज देयर पॉइंट, और वहां से तमाम दुनिया कंट्रोल होते जा रहा है, ये हम पक्का बात है, ये तो है ही है। आइंस्टाइन से लेकर सबको ये बात को एकदम पक्का मान लिया, हाँ ठीक है, टॉल्स्टॉय सब। लेकिन उससे भी बढ़कर एक आश्चर्य का चीज है जो कांट ने समझ पाया। बोला हमने पक्का बोल नहीं सकता, बट आई थिंक सो, हमारा अनुभव में ये लगता है कि ये अनंत इन्फिनिटी कॉस्मिक वर्ल्ड इसका जो सेंटर पॉइंट है और मेरा जो सेंटर पॉइंट है, हमारा लगता है दोनों एक। एक्सीलेंट एक्सीलेंट विचार, ठीक बताया, ठीक बताया। ये अनंत इन्फिनिटी ब्रह्मांड का जो सेंटर पॉइंट है और हमारा जो सेंटर पॉइंट जीवन जिंदगी का सेंटर पॉइंट है, हमारा लगता है किससे? ऋषि मुनि और नो लगता है पक्का, ठीक यही बात है। यही बात को समझने के लिए गीता पढ़ना चाहिए, गीता पाठ के जरूरी है। इन्फिनिटी ब्रह्मांडों का जो सेंटर पॉइंट है, इफ आई कैन कोइंसाइड, आई मीन हमारा सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट के साथ मिल जाए, बस तमाम समस्या का समाधान, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म, सारे समस्या खत्म, सारे मसला खत्म। यही समझना चाहिए। जब हम हमारा सेंटर पॉइंट को अनंत ब्रह्मांडों का जो एक सेंटर पॉइंट है उसका साथ कोइंसाइड हम मिला पाएंगे, तब हमारा जीवन जिंदगी सुखमय हो जाए, सेवामय हो जाए। बस ये करना असंभव है, फिर भी संभव है। असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, स्टिल इट इज पॉसिबल, फिर भी संभव है। संभव क्यों नहीं? जरूर संभव है। इसी बात को साबित करने के लिए ठाकुर जी ने बताए, तुम मारने वाला कौन हो? तुम अपने को मान के बैठे हो कि बड़ा आया लड़ाई करने वाला। तुम अपने को यही मान के बैठे हुए नो, तुम यही मान के तो बैठे हुए हो कि तुम बड़ा खिलाड़ी हो, लड़ाई नो योद्धा हो। तुम तो यही मान के बैठे हो, यही तुम्हारा गलती है, तुम्हारा तो यही गलती है, कर्तापन। देखो हम सब मर के रखा है, देखो नजर उठा के देखो, विश्व पितामहों से लेकर तमाम जितना सारे कर्णों आदि द्रोणाचार्य सब, देखो सब हम मार के रखा, तुम मारने वाले कौन हो? हैं? कर्तापन, तुम मारने वाले कौन हो? देखो हम मार के रखा है सब। अरे रियली सो, अरे रियली सो, मन मर के रखा है हम। निमित्त मात्र सब 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 भव सब बसाचिन, निमित्त मात्र तुमको एक तो इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं हम, निमित्त मात्र है ना। कॉज एंड इफेक्ट इस बताया था ना उस दिन, अगर मूल कारण में नहीं है तो बाद में कैसे आ सकता है? पानी को जितना भी मंथन करो, क्या उसमें मक्खन निकल सकता? मक्खन निकल सकता है क्या? लेकिन दूध को मंथन करो तो मक्खन है उसका अंदर। जो चीज जिसमें नहीं है, जिसमें पोटेंसी नहीं है, वो कहाँ से? जीवों का अंदर में भक्ति का पोटेंसी है, इसको मंथन करो, मंथन करो ज्ञान के, तो मंथन करते रहो, गुरु वैष्णव का संग करते रहो, सुनते रहो, विचार बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा, दर्शन पूरा बदल जाएगा। सत्संगो प्राप्त करो, असत्संग का विनाश कर दो, विनाश। असत्संग का विनाश मेल तक नहीं रहे, सत्संग भी चले, असत्संग भी, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसे में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी ना। ऐसा चल असत्संग त्याग, ये वैष्णव आचार चैतन्य। इसका मतलब ये नहीं कि असत्संग त्याग दिया हमारा तो क्या हुआ, हमारा तो। असत्संग त्याग के बाद भोपाल जी कहते हैं कि असत्संग त्याग किया, सत्संग को अपनाया कि नहीं। असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार्य, इसका मतलब ये नहीं कि असत्संग त्याग दिया हमारा तो हमारा कुछ तरक्की नहीं हुआ। अरे असत्संग त्याग का मतलब सत्संग जरूर लेना। असत्संग त्याग का मतलब ही यही है कि जरूर सत्संग लो। असत्संग त्याग दिया, बैठे रहा तो मायावादी बन जाओगे और क्या हो। और क्या, मायावादी बन जाओगे। असत्संग त्यागी वैष्णवाचार, ये बोलने में अच्छा है लेकिन असत भी सह संगस्तु न कर्तव्य कदाचन, कदापि कदापि अपना बाप भी असत है उसका साथ भी मेरा कोई लिंक नहीं है। बाहरी दृष्टि में है, अंतर्दृष्टि में नहीं है। व्यवहारिक जगत में तो लात लगाना लड़ाई लगाना उचित नहीं है। जैसे अपना भजन ठीक से चले, बैलेंस करके चलो, अंतर में उसका साथ कोई लिंक ना रखो। बाहरी जगत में तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, लेकिन अंतर से अगर संग कर दिया उसका साथ, अटैचमेंट तो हो गया तुम्हारा, छुट्टी। असद भी सह संगस्तु न कर्तव्य कदाचन, कदापि असत्संग उचित नहीं। जस्मात् सर्वार्थ हानि अधपादश्च जायते, जिसके द्वारा हमारा सब कुछ सत्यानाश हो जाए। जस्मात् अधपादश्च जायते, हमारा सर्वनाश हो जाए और अधपातश्च जायते। अधपात माने अध माने पततिर अधोहध, कहाँ नरक तक, नरक तक भी हम पहुंच जाएंगे। बुद्धिमानी तो इसी में है कि हर वक़्त कंटिन्यूसली, जैसे बामन जी महाराज कहते थे, आप लोग मामूली विषय में समय खराब नहीं करना, हर वक़्त गंभीर तत्व विज्ञान को विचार करते रहना। अंतर में विचार को ऊंचा, धीरे धीरे अपना विचार को ऊंचा बनाओ, एक्सेलेंट बनाओ, दर्शन को प्यूरिफाई करो। दर्शन ऐसा टट्टी पेशाब का दर्शन मत रखो। दर्शन को पवित्र बनाओ, दर्शन को ऐसे बनाओ कि जिसमें राधा विनोद बिहारी का झांकी सामने आ जाए, गुरु वैष्णव के चरण का सौंदर्य सौकर्य सौगंध हमारा समझ में आए। इसी को बोलता है सत्संग। असत्संग त्याग करके हाथ मोड़ के बैठा हुआ, उसमें क्या हो सकता, मायावादी बन जाओगे। प्रभुपाद कहते हैं कि अरे असत्संग छोड़ने का बात, और क्या कर रहे हो तुम, कुछ कर रहे हो कि नहीं। असत्संग त्याग करने का मतलब सत्संग लेना। वो किया कि नहीं, नहीं किया तो क्या। जबकि शंकर जी भगवान, नारद जी, ये सब भी कहते हैं हम सत्संग करने के लिए जा रहे हैं। अरे सत्संग तुम क्या जाओगे, बोला हाँ हम लोग सत्संग। शंकर भगवान गया, रिभु ऋषि को जगाया ध्यान से और थोड़ा वार्तालाप कर दिया, साधु का साथ थोड़ा वार्तालाप करो तो वो भी तो संग है। उपदेशामृत चर्चा करो कि ददाति प्रतिगिन्नाति पृच्छति गुज्जमाख्याति भुंगते भयते, यही तो है ना सर्वविध प्रतिलक्षण। ये प्रतिलक्षण कोई मामूली बात नहीं है। तमाम शिक्षा स्टक जो है, शिक्षा स्टक का जो कहना है, शिक्षा स्टक, तमाम शिक्षा स्टक में जो शिक्षा है उपदेशामृत में उसका खुलासा किया गया, मनोशिक्षा में उसका खुलासा किया गया पूरा एकदम। सर्व गोस्वामियों का जो जितना सारे, अरे सर्व गोस्वामी के जितना सारे, विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलो, जितना सारे गोस्वामी लोग, इनके जो व्याख्या है शास्त्रों का, तमाम व्याख्या करके रख दिया अनुभव के। अपना जीवन जिंदगी वो अनुभव है ठाकुर जी का कृपा से, शास्त्रों का अनुभव को हमारा लिए पूरा पक्का छोड़ के गया। बस इसको देखना है, विचार करना है, करते करते बस बेड़ा पार हो जाए। भक्ति में पोपा जी ने बताए, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने हमको सब देखे गया, क्या कुछ नहीं देखे गया। बस हमारा ये काम है उठा उठा कर देखो। बावन गुस्सिमां ये भी कहते थे, किसी आदमी अगर अपना हिसाब से व्याख्या करना चाहते, बावन गुस्सिमां तो तब सारापुली में रहते थे, देखो एक बात कहे पक्का बात, शिष्यों को कहते हैं एक पक्का बात कहे। बोला हाँ क्या गुरुजी, पहले जो कुछ भी है मुद्दा कथा सुनबी, मुद्दा कथा सुनबी हैं। सब भक्तिविनोद ठाकुर गुरुवर्गो भक्तोपा सब देखे गया। हमारा हिम्मत दिखाने का दरकार नहीं है, हमारा हिम्मत दिखाने का जरूरत नहीं है। नया किस्म का व्याख्या कर दिया, अरे चलो, अरे कहाँ से व्याख्या किया महाराज, व्याख्या कर दिया। अब हम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आदमी माने नरक में जाए तो हम क्या करें। बावन गुस्सिमां महाराज कहते थे देखो तमाम चीजों को रखे गया संपत्ति, बस हमको देखना है अनुगत्य के द्वारा गुरु वैष्णव अनुगत्य करो और देखते चलो, सारे समझ में आएगी और कुछ नहीं चाहिए। अपने को प्रकाशित करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रचेष्टा उसको बस करो, वो दरकार नहीं है। तमाम देखे गया, हम क्या करें, सब देखे गया। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं देखे गया, रूपानुगो रागानुगो में सबको सब मसला देखे गया, कैसे क्या करना है। हम नया करके हम क्या बनाए, उल्टा पलटा दर्शन कहाँ से बनाए, दर्शन का फैक्ट्री बन गया, कैसे हो सकता। जो जितना परंपरा का हिस्सा, परंपरा का जो रास्ता है, रास्ते है, उसी में जो चले उसका लिए कोई कमी नहीं रहेगा। सारे तमाम चीज़ों को प्राप्त करके रख दें। ऐसा विचार करते करते हम लोग गीता का जो अंतिम श्लोक जो है वो कैसे एप्लीकेबल है, ये टॉप मोस्ट एप्लीकेशन फील्ड जो है सर्वधर्मान् परित्यज्य जो श्लोक है, इसका अंतिम टॉपमोस्ट एप्लीकेशन प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि वृंदावन का अंतःकरण में गोपियों का जो भाव है, ये टॉपमोस्ट एप्लीकेशन वह है। और यहाँ तो युद्ध क्षेत्र है, यहाँ तो युद्ध क्षेत्र, तमाम दुनिया विचार कर रहे हैं कि भारत फाइटिंग, अभी कुरुक्षेत्र युद्ध शुरुआत होने जा रहा है, संग्राम मूर्धनी। अर्जुन कह रहे कि संग्राम मूर्धनी, अरे संग्राम का एकदम पॉइंट पे शुरुआत होने जा। जो उपदेश मेरे को ठाकुर जी हमारा दोस्त मेरे को इतना सारे उपदेश दिया गीता का, आज अनुभव में आ रहा है। उस समय थोड़ा बहुत आया, लेकिन आज अर्जुन कह रहे हैं कि वंचितो अहम हरिना बंधु रूपिणा, अब हमारा दोस्त रूपी जो भगवान है परात्पर अखिलेश्वर वो नहीं रहा, वो वंचित हो, हमको वंचना करके चला गया। और संग्राम मूर्धनी, संग्राम का एकदम फाइनल पॉइंट पर जो उपदेश मेरे को, अनमोल उपदेश मेरे लिए छोड़ के गए। और पहले तो हम बोला हाँ समझा, क्या समझा। अब बोला ये पूरा जितना सारे गीता का जो उपदेश है आज मेरे को रियलाइजेशन अनुभव में पक्का उतर के आया, अब पक्का ऊपर उतर के आया है, अब अनुभव हो रहा है हाँ गीता क्या चीज़ है। आज अब अनुभव हो रहा है हमें गीता क्या चीज है। रोते रोते ये बताया, जब तक महाराज जिंदे जीवन जिंदगी एक बड़ा सा धक्का ना लगे, बड़ा सा धक्का एकदम चूर चूर कर दे अभिमान को, तब ये बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं। अभिमान कभी कदापि छोड़ेगा नहीं, छोड़ने वाला नहीं। वो बोलेगा हमारी कथा सुने, आप बताओ कुछ भी, आप सुनते रहे, लेकिन अनुभव में आना बहुत मुश्किल, जब तक शरणापत्ति का सिद्धि नहीं हो पाया, ये संभव नहीं है। जब तक शरणापत्ति नहीं तब तक कुछ भी नहीं। ये अनमोल उपदेश है। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इधर ही छोटा सा प्रवचन का यही विश्राम डाले, ये विचार करके सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच वांछा कल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।